पीस भी बना है, इसे हम तोड़ के अंदर का देखते हैं। ये देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से एक बार आप वेजिटेबल चॉप या ऐसे कटलेट बोल सकते हैं बनाइए। आइए फ्रेंड्स अब हम इसका कटलेट बनाते हैं। इसके लिए हम बीट रूट को छील लेंगे, छील कर इसे कीसेंगे और गाजर भी डालेंगे। हम गाजर को भी कीस लेंगे। बीट रूट हमारे ब्लड की कमी को दूर करता है और ब्लड को भी प्यूरीफाई करता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बहुत ही फायदेमंद है। एक कटोरी बीट रूट ले रहे हैं, एक कटोरी उबला हुआ आलू उसको मैश करके लिए हैं, एक कटोरी हम यहाँ गाजर भी ग्रेट करके लिए हैं, यहाँ पे कुछ ब्लांच किया हुआ मटर है, यहाँ पे मैंने लाल वाले मूंगफली भी भून कर लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का रफली चॉप करके पेस्ट लिया है और यहाँ पे धनिया पत्ती कटी हुई ली है। कटलेट को कोट करने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं मैदा, यहाँ पर लिए हैं कॉर्नफ्लोर पाउडर, ये है ब्रेड क्रम्स, यहाँ पर हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लेंगे, 2 से 3 चम्मच ले लेंगे हमें जितना, मैं यहाँ 3 चम्मच ले रही हूँ, उसमें उतना ही हम मैदा मिलाएंगे 3 चम्मच के लगभग। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह इसका एक घोल हम तैयार कर लेंगे। हम अदरक और लहसुन का पहले पेस्ट डालेंगे, पेस्ट डाल के हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे, इसमें हम ये बीट रूट डालेंगे, ब्लीट किया हुआ बीट रूट, इसको भी थोड़ा भूनेंगे और इसमें हम ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे। गाजर डाल के भी भूनेंगे, हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे कि ये हमारे वेजीज जल्दी पक जाए। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाद में मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, सूची के अनुसार मैं टेस्ट के अनुसार ही मैं नमक डाल रही हूँ। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर, बस हम ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, और सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। 5 मिनट भूनकर पकाया है, ढककर पकाया है 5 मिनट, थोड़े से वेजीज गल गए हैं। अब मैं इसमें ये ब्लैंक किया हुआ मटर को ऐड कर रही हूँ, इसको डालकर थोड़ा भूनूंगी। 2 बड़े आलू को उबाल कर मैश करके रखा है इसे डाल दूंगी, इसको भी डाल के हम इसमें भूनेंगे। कटलेट के लिए ये तैयार है। अब मैं इसमें ये मूंगफली भून के रखी हूँ इसको डाल रही हूँ, इसको डालने से बहुत अच्छा लगता है, बीच में क्रंची क्रंची आता है तो खाने में बहुत टेस्ट लगता है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर दीजिए। और साथ में मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ और इस तरह डाल के मैं इसको मिला लूँगी और मिला के मैं इसको बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। अब हमारा ये मिश्रण तैयार ठंडा हो गया है, इसका हम इस तरह से सिलेंडर का शेप बनाएंगे। देखिए मैं इस तरह से और इसको हम मैदा की इसमें कोट करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से इसे निकाल कर हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और इसे ब्रेड क्रम्स में हम अच्छी तरह लपेट लेंगे। मैं फिर एक बार इसमें कोट करूंगी और फिर इसको हम फिर से ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। इस तरह से मैं इसे 2 बार कोट करके तब इसे डीप फ्राई करूंगी। इस तरह से देखिए अच्छी तरह कोट हो गया है, इसको मैं अलग प्लेट में इस तरह से रख दूंगी और रख के फिर मैं दूसरा एक और सिलेंडर तैयार कर रही हूँ।
उसी मेथड से मैं एक और आपको बनाकर दिखा रही हूँ सिलेंडर शेप का। उसी तरह से इसे भी मैं मैदा में डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्स में लपेटूंगी। यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है, मैं एक एक करके इसमें कटलेट को डाल दूंगी और इसे हम लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, बहुत हाई में भी नहीं और एकदम लो में भी नहीं। और जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे, इसे उलट पलट कर हम अच्छा ब्राउन करेंगे। इसे अच्छा ब्राउन करेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा और इसे हम गर्मा गर्म प्याज के लच्छे, गाजर के लच्छे और चिकुंदर के लच्छे के साथ मैं सर्व की हूँ। इसके साथ आप चटनी भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।